हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी कॉन्टैक्ट को, फ़ोन नंबर के जो कॉन्टैक्ट है उनको व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जोड़े बिना उनका नंबर फ़ोन में सेव किए बिना, यानी किसी भी कॉन्टैक्ट को फ़ोन में सेव किए बिना हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जोड़ें। इसके साथ ही यदि बहुत अधिक संख्या में हमें ऐसे नंबर जोड़ना हो, जैसे 50 में 100 में ग्रुप में हमें जोड़ना हो, तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट एक साथ में हम इसमें जोड़ सकते हैं बिना उनके कॉन्टैक्ट को फ़ोन में सेव किए बिना। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में, आपको कंप्यूटर में, अपने क्रोम ब्राउज़र में, कंप्यूटर में करने का काम आपको व्हाट्सएप कंप्यूटर में ओपन कर लेना है। तो कंप्यूटर में आप व्हाट्सएप कैसे ओपन करोगे, उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखी है कि व्हाट्सएप को कंप्यूटर में हम कैसे चलाएं। ऊपर आई बटन है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं कि कंप्यूटर में आप इसको व्हाट्सएप को कैसे चलाएं व्हाट्सएप वेब के द्वारा। उसके बाद यहाँ 3 डॉट्स आते हैं, आप देख सकते हो 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ आपको न्यू ग्रुप पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमें नया ग्रुप क्रिएट करना है, तो यहाँ न्यू ग्रुप पर हम क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले एक या दो मेंबर है वो हम इसमें पहले से जिस कॉन्टैक्ट में हमारे सेव है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। केवल एक या दो ऐसे मेंबर जो पहले से कॉन्टैक्ट में सेव है उसको हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो आगे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे यहाँ आपको क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करोगे यहाँ ऐड ग्रुप आइकन, हम बाद में भी आइकन लगा सकते हैं ग्रुप का, और यहाँ ग्रुप का सब्जेक्ट है, ग्रुप का नाम हमें लिखना है, तो मैं यहाँ ग्रुप का नाम लिख देता हूँ। ग्रुप का नाम मैंने लिख दिया, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ राइट कनेक्शन आप देख रहे हो, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ क्रिएटिंग ग्रुप ऑप्शन आ चुका है, हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। फिलहाल हमारे पास केवल इसमें एक ही मेंबर है, आप देख सकते हो कि हमारा ग्रुप है इसमें केवल एक ही मेंबर एड है। यहाँ आप देख सकते हो साइड में पार्टिसिपेंट है, केवल एक है। यहाँ देख सकते हो आप नीचे 2 पार्टिसिपेंट टोटल हो चुके हैं, एक एडमिन स्वयं है, एक दूसरा हमने अभी ऐड किया है, तो 2 पार्टिसिपेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें किस प्रकार से हम इसमें ऐड करें बिना नंबर सेव किए हुए सभी के कॉन्टैक्ट को, आपको मैं बताता हूँ। मिल जाएगा इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, ये ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएगा इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। आपको एक बार में 50 से 100 कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो सेम डे, और ये आपको बार बार रिपीट भी नहीं करना है। कई दिनों से यदि आप ऐसा कर रहे हो तो ये ऐसा हो सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जो ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, आप अपने जहाँ भी आपने फाइल सेव कर रखी है अपनी एक्सेल की फाइल CSV फॉर्मेट में, यहाँ उसको अपलोड करनी होगी। CSV फॉर्मेट यहाँ अलाउ है, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ आप देख सकते हो इस फाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट है यहाँ शो हो चुके हैं। अरे फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट जिस कॉलम में है, ABCD जैसे एक्सेल में कॉलम होते हैं, तो कौन से फॉर्मेट में हमारे हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली ए सेलेक्ट कर लेना है जिस कॉलम में आपका डाटा है। उसके बाद यहाँ सेंड मिसिंग कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक VCF.VCF नाम से एक फाइल प्राप्त होगी आपको, उसको आपको ईमेल पे लेके और यहाँ इंपोर्ट करना होगा, चालू हो जाएगा। और यहाँ से वो जो फाइल हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई है उसको ईमेल से लेके और आपको यहाँ से अपलोड करनी पड़ेगी। ये मैंने प्रोसेस कर दी है, एक स्टेप आगे आ गया है कि आपको जो मोबाइल में .VCF नाम से जो फाइल मिलेगी उसको ओपन करके अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में और ओपन कर लेनी है, तो वो जो कॉन्टैक्ट है आपके मोबाइल में आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन रहेगा, क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली सारे नंबर है वो व्हाट्सएप में जुड़ जाएंगे। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो उनकी पर्सनल सेटिंग की हुई होती है कि वो उनको कोई ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता, उनके लिए ऐसा मैसेज शो होगा, या इनवाइट टू ग्रुप करके आप उनको इनवाइट भी कर सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो। तो जितने भी आप देख सकते हो ग्रुप में वो मेंबर ऐड हो चुके हैं, आप देख सकते हो फिलहाल 38 मेंबर हो चुके हैं, पहले 2 ही थे। और यहाँ मैंने इंपोर्ट फ्रॉम फाइल के द्वारा ये सब कॉन्टेक्ट यहाँ देख सकते हो सारे ऐड हो गए हैं। इस प्रकार से आप आसानी से बिना नंबर सेव किए आप आसानी से इनको एक साथ ऐड कर सकते हो।